हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन का त्रैमासिक राज्य स्तरीय सम्मेलन प्रांतीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में होटल ताज बैजनाथ में संपन्न हुआ। सम्मेलन में प्रदेश के सभी क्षेत्रों से आए हुए लगभग 300 चालकों ने हिस्सा लिया। सत्य प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में जो प्रदेश चालकों को वरिष्ठ चालकों के पदमान व वेतनमान देने का जो निर्णय लिया है उसे तुरंत सर्विस कमेटी के माध्यम से लागू करवाएं। हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन का त्रिमासिक राज्य स्तरीय सम्मेलन प्रांत अध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में बैजनाथ में आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश के सभी क्षेत्रों से आए लगभग 300 चालकों ने भाग लिया। अपने संबोधन के दौरान सत्य प्रकाश ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 144वीं बैठक में जो प्रदेश चालकों को वरिष्ठ चालकों के पदमान व वेतनमान देने का निर्णय लिया गया था उसे तुरंत सर्वस्व कमेटी के माध्यम से लागू करवाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रदेश में चल रहे चालकों की कमी को शीघ्र पूरा किया जाए, प्रदेश में परिवहन निगम के चल रहे सभी रूटों के रूट परमिट लिए जाएं और समय सारणी में संशोधन किया जाए, इन मुद्दों पर भी चर्चा की गई। साथ ही मांग रखी गई कि अंतरराज्य रूटों पर चलने वाली पुरानी बसों को तुरंत बदलकर नई बसें चलाई जाएं, रात्रि एवं अतिरिक्त भत्ते का मापदंड समय सारणी के अनुरूप हो। प्रदेश में चालकों परिचालकों की बढ़ रही मारपीट की घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन निगम में भी डिपर्सन एक्ट लागू होना चाहिए। प्रांतीय प्रधान मान सिंह ठाकुर ने प्रदेश के सभी इकाइयों के प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन परिवहन में उपजी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूर्ण रूप से सजग है। संगठन सभी समस्याओं के बारे में उच्च प्रबंधन व समय पर सरकार के साथ वार्ता करता रहता है, जिसमें बहुत सी समस्याओं का समाधान भी निकलता नजर आ रहा है और कुछ समाधान शेष बाकी है। हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार और HRTC उच्च प्रबंधन लोगों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि HRTC लोगों की सेवाओं में लगा रहता है और HRTC ही एक ऐसा उपक्रम है जो 24 घंटे, तो इनकी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण सरकार प्राथमिकता के आधार पर करे, ऐसा हम चाहेंगे।